भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मेरे पीछे बोले न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियं स्थिर बुद्धि असम्मूढः ब्रह्मवीत् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्यं नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य न द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रहस्येत् प्राप्यं नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थिता न प्रहस्येत् प्राप्यं माता है स्थिर बुद्धि का वर्णन किया स्थिर बुद्धि और शुरू में नहीं होती स्थिर बुद्धि वो इसलिए तो याद होती है समुद्र मंथन प्रहस्येत् हर्षित होता है प्रियं प्रिय को प्राप्य प्राप्त करके न नहीं उद्विजेत विचलित होता है प्राप्य प्राप्त करके च भी अप्रियं अप्रिय को स्थिर बुद्धि ही आत्मबुद्धि कृष्ण चेतना असम्मूढः मोह रहित संशय रहित ब्रह्मवेद परब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मणि ब्रह्म में स्थितः स्थित अनुवाद एवं तात्पर्य ऋषि भक्तिवेदांत स्वामी शैल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद
जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तात्पर्य, यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अभी तो भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न ही शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतःपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कृपया शांति बनाए रखिए। यहाँ पे कुछ श्लोकों के अंदर भगवान एक साधु पुरुष के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं कि साधु के अंदर क्या लक्षण होते हैं, वो बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। तो भगवान ने बताना आरंभ किया था श्लोक क्रमांक 18 से, जिसमें कि भगवान ने बताया कि जो साधु होता है वो कभी भेद नहीं करता है ऊंच नीच में, जात पात में, रंग रूप में। ये साधु का पहला लक्षण है। कोई व्यक्ति यदि साधु है तो इससे हमें पहचानना चाहिए। यदि वो वास्तव में भगवान का भक्त है तो उसके अंदर ये लक्षण पाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति को पहचानना है तो उसके लक्षण से पता चल सकता है कि वास्तव में वो चीज़ है क्या। जैसे अन्यथा हम भ्रमित भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सूजी का हलवा है तो दिखने में लग रहा है कि मीठा है, लेकिन आपका भ्रम भी हो सकता है। हो सकता है जब आप उसको खाएं तो नमकीन होगा, उपमा है वो, मीठा सूजी का हलवा नहीं। तो जब आप उसको खाएंगे तब पता चलेगा कि ये मीठा सूजी का हलवा है। तो कैसे पता चला? उसके लक्षण से, कि उसके अंदर चीनी है, इसका मतलब वो मीठा है। उसी प्रकार से यदि किसी भक्त को पहचानना है तो हमें उसके बाहरी आवरण से पता नहीं करना चाहिए कि ये वास्तव में भक्त है कि नहीं। उसके लक्षण क्या है, कैसे वो बोल रहा है, अपने से नीचे के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है, अपने से ऊपर वालों के साथ वो कैसा व्यवहार कर रहा है। हो सकता है नीचे वालों के साथ तो घृणा कर रहा है और उसको तिरस्कार कर रहा है, लेकिन जो अपने ऊपर वाले हैं उसको तो जीजी कर रहा है, उसको सर सर करके बुला रहा है। तो ये क्या हो गया? भेद हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया कि वो जो व्यक्ति है साधु, वो शरीर को देखते हुए उसके साथ आदान प्रदान कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, क्योंकि
जो शरीर के अंदर आत्मा है वो भगवान का अंश है, चाहे कोई व्यक्ति नीचा है या ऊपर है, लेकिन सभी के अंदर आत्मा एक है और वो आत्मा किसकी है? भगवान कृष्ण की, अंश है वो भगवान का। तो इसीलिए वो ये भेद नहीं करता कि ये मेरे, ये नीचा है और ये ऊंचा है, ये काला है ये गोरा है। भक्त सभी के लिए वो समान होता है, उसकी दृष्टि में कोई ऊंच नीच नहीं होता है। तो ये पहला लक्षण भगवान ने 18वें अध्याय में बताया। फिर श्लोक क्रमांक 19 में भगवान बता रहे हैं कि जिनके मन एकत्व में स्थित होता है और जिन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधन को जीत लिया है, ये दूसरा लक्षण है उसको पहचानने का, और वह ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। इसका अर्थ ये है कि भगवान के जो भक्त होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, वो भगवान के अंदर लीन होते हैं, भगवान की सेवा में वो लीन होते हैं। यहाँ पे बताया कि ब्रह्म में स्थित रहते का अर्थ ये नहीं है कि वो भगवान में समाहित हो गए। भगवान में कभी भी कोई जीत समाहित नहीं हो सकता है, वो भगवान की सेवा में लीन हो सकता है। तो ये साधु पुरुष का दूसरा लक्षण है। फिर तीसरा लक्षण आज के श्लोक में बता रहे हैं, और क्या लक्षण है तो बता रहे हैं, न प्रहश्यत प्रियम प्राप्यम, कि जब उसको प्रिय वस्तु प्राप्त होती है तो प्रहश्य, वो हर्षित नहीं होता है उसकी प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर। और फिर दूसरा बताए, नो द्विजेत प्राप्य चाप प्रियम, और जब कोई चीज़ उसकी प्रिय नहीं होती है तो उसको प्राप्त करके वो दुखी नहीं होता है, उसको शोक नहीं होता है। ये दो लक्षण भगवान ने यहाँ पे बताए। और दूसरी चीज़ भगवान बता रहे हैं कि क्या है, स्थिर बुद्धि रसमूढ़ हो, उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर होती है। किसमें स्थिर होती है? कृष्ण चेतना में, कृष्ण भक्ति में। और फिर ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, भगवान बोल रहे हैं कि वो ब्रह्म में स्थित होता है, और ब्रह्मविद मतलब भगवत विद्या को जानने वाला, उसको भगवत विद्या का ज्ञान होता है, वो हर एक प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होता है शास्त्र से। क्यों? क्योंकि उसने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो ब्रह्म का ज्ञान है उसको। अभी कैसे हमने ये सुना कि ये लक्षण है, तो कैसे जाने? तो ये लक्षणों से आप जान सकते हैं कि कौन साधु पुरुष है। यदि एक लक्षण भी आपको इसमें मिल जाए भगवद्गीता के अनुसार, तो समझ जाइए कि वो साधु पुरुष है। यदि वो लक्षण नहीं मिलते हैं तो समझ जाइए वो साधु नहीं है। वो क्या है फिर? पाखंड है, ढोंग है। दैट मीन इसका अर्थ ये है कि वो अपने आप को साधु दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से वो साधु नहीं है, अंतरात्मा से। वो बाहर से बस दिखाने का ऐसा प्रयास कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, लेकिन वास्तव में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये लक्षण नहीं है। तो अभी बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे भगवान ने जो बोला है, स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी बुद्धि स्थिर होती है। कैसे स्थिर होती है? इसका एक उदाहरण एक कथा से हम समझते हैं। अधिकतर सामान्य कथाओं में हम देखते हैं कि जो असुर लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। जैसे समुद्र मंथन की जब लीला हुई तो भगवान ने बोला कि समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत की आवश्यकता है, और जो मंदराचल पर्वत को घिसने के लिए क्या चाहिए? वासुकी सर्प चाहिए। तो देवता और असुर दोनों मान गए। अभी यहाँ पे बात ये हुई कि सर्प का जो मुख है वो कौन पकड़ेगा, क्योंकि उस जब उससे घिसेंगे तो उनके मुख से अग्नि निकलेगी, विष निकलेगा। तो देवताओं ने बोला कि हम तो नहीं पकड़ेंगे। तो असुर बोले कि ठीक है, बाद में तो हमें अमृत मिलने ही वाला है, तो हम ठीक है, तो कैसे भी करके उनको दे दिया। अभी जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से अनेक अनेक चीज़ें निकल रही थी समुद्र में से, तो वो सबने देवी देवताओं ने अपने पास रख ली। अब अंत में जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से धन्वंतरी अमृत का कलश लेके बाहर निकली, तो सारे देवी देवता जो हैं उस पर टूट पड़े अमृत प्राप्त करने के। अब भगवान ने देखा कि देवी देवता दोनों लड़ रहे हैं, तो फिर भगवान ने क्या किया? मोहिनी अवतार धारण किया। और जब असुरों ने मोहिनी मूर्ति रूप को देखा तो अमृत भूल गए। अब देखिए, पूरा इतना मेहनत किया, मंदराचल पर्वत लेके आए, पूरा मेहनत किया, इतने परिश्रम किया, लेकिन जैसे ही मोहिनी मूर्ति देखा अमृत भूल गए। और
मोहिनी मूर्ति के पीछे सब पागल हो गए, लेकिन देवी देवता की बुद्धि स्थिर थी। उनको पता है कि भगवान का मोहिनी अवतार है, तो वो अमृत पे टिके रहे, लेकिन असुर लोग भूल गए उसको। तो ये है स्थिर बुद्धि। और फिर भगवान को पता था कि ये लोग विचलित हो जाएंगे, इसीलिए भगवान ने जो है मोहिनी मूर्ति रूप धारण किया। और फिर केवल उसमें से दो बुद्धिमान थे, राहु और केतु, कि उनको पता चला कि ये भगवान की चाल है। लेकिन बाकी जो असुर थे वो तो सोच रहे थे कि ठीक है मोहिनी मूर्ति कितना सुंदर है, तो लड़ रहे थे कि मैं ले जाऊँगा ऐसे करके। लेकिन जो प्राप्त करने की जो वस्तु थी अमृत, उसको भूल गए। तो स्थिर बुद्धि नहीं है, असुरों के अंदर स्थिर बुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पे भगवान एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं भक्तों के लिए, कि जब हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है तो बहुत अधिक खुश होके भगवान का भजन नहीं भूलना चाहिए। ऐसा होता है, इसका भी एक कथा है। रामायण के अंदर हम देखते हैं कि सुग्रीव की कथा आती है। तो सुग्रीव को बहुत कष्ट थे। क्या कष्ट है? तो हम देखते हैं कि वाली ने सब हड़प लिया था और उनकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया था, उनके साथ भोग कर रहे थे। तो जब उनको पता चला कि राम भगवान वन में आए हैं, तो हनुमान जी उनको मिलवाते हैं भगवान से, और सुग्रीव अपनी समस्या व्यक्त करते हैं। तो सारी समस्या व्यक्त करने में भगवान राम कहते हैं ठीक है, मैं आपकी सहायता करूँगा, लेकिन बदले में आप जो है सीता ढूंढवाने के लिए प्रयास मेरे हेल्प कीजिए, आप सहायता कीजिए। तो जाते हैं, सुग्रीव और वाली का बहुत भयंकर युद्ध होता है, भीषण युद्ध, और भगवान पीछे से वाली को मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि जब सुग्रीव को राज्य प्राप्त हुआ तो भूल गए, जो वचन दिया था भगवान राम को भूल गए कि मुझे भगवान की सेवा में जाना है। और इतना उसको उनको खुशी हुई और इसमें भोग में लग गए, लेकिन जो भगवान को वचन दिया था कि अब मुझे जाके सीता को ढूंढना है, वो भूल गए। फिर बाद में लक्ष्मण जी उनको याद दिलाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपने वचन दिया था भगवान राम को। तो क्या है? स्थिर बुद्धि। इतना वो हर्षित हो गए, इतना हर्षित हो गए कि जो उन्होंने भगवान को वचन दिया, जो वादा दिया था, वो निभाना भूल गए। तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है। अक्सर क्या होता है, व्यक्ति के पास जब कष्ट आते हैं तब वो भगवान के पास जाता है कि भगवान मुझे बचाइए बचाइए। और दूसरी चीज, जब वो भक्ति करता है और भक्ति में आने के बाद जब कष्ट आते हैं तो भगवान को छोड़ देता है कि मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा था, तो अभी जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, हर्ष में है, लेकिन जब कष्ट आ गए तो भगवान को छोड़ दिया। और दूसरी तरफ, जब वो पहले से ही कष्ट में था, अभी वो चाह रहा था कि मेरा जीवन बहुत सुखपूर्ण हो, उसमें सुख शांति हो, तो भगवान के पास गया, सुख आया, लेकिन अब भगवान को भूल गया, बाद में भूल गया भगवान को, क्योंकि भगवान ने उसकी परिस्थिति को ठीक कर दिया। तो कई बार ऐसे होता है कि लोग जाते हैं मंदिरों में, और बड़े बड़े, जैसे हमारे भारत के अंदर तो बहुत बड़े बड़े धर्म स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, तो वहाँ पे लोग जाते हैं और कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको, मन्नत रखते हैं मंदिरों में, लेकिन जब समस्याएं सब ठीक हो जाती तो भूल जाते हैं कौन सी मन्नत, क्या मन्नत। मैंने तो कुछ ऐसी मन्नत नहीं रखी थी, होंगे कुछ पता नहीं, भूल जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हम जब खुश में रहते हैं तो हमारी जो भक्ति है, हमारा जो भजन है, तो हर्ष आने से उसमें बाधा आ जाती है, जबकि वो नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो, उसकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। यदि कष्ट भी आए तो भी भक्ति करना है, और चाहे यदि सुख भी आ जाए तो भी भक्ति करना है, कैसी भी परिस्थिति हो, उसको कहते हैं स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि का अर्थ उसको कहते हैं कि मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन मैं उसमें संभव रहूँगा। तो यही चीज़ भगवान बता रहे हैं कि वो समता, यानी कि समता में स्थित रहता है, और उसको पता है कि ये मेरे कर्म फल की वजह से मुझे मिल रहा है, तो इसकी वजह से वो भगवान को दोष नहीं देता है। ये उसको पता है भक्त को कि मेरे कर्म फल की वजह से मैं ये सब सजा भुगत रहा हूँ। लेकिन जो अज्ञानी जीव होता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, वो अपने दुखों का दोषी भगवान को ठहराता है, और ये भूल जाता है कि उसने जो कर्म किए थे पिछले जीवन में, जिसकी वजह से उसको अभी ये सजा भुगतनी पड़ रही है, वो भूल के वो सीधा दोष भगवान के ऊपर डालता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे साथ जो भी परिस्थितियां बनती हैं, या हम कई बार ऐसा प्रयास करते हैं कि अत्यधिक परिश्रम करने से मुझे कुछ ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा, वास्तव में ऐसा नहीं है।
कई बार लोग बहुत अधिक परिश्रम करते हैं कुछ चीज़ को प्राप्त करने के लिए, लेकिन व्यक्ति के भाग्य में जब उसका जन्म होता है तब से उसका आयु और उसका भाग्य ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है। जन्म के साथ वो डिसाइड फिक्स हो गया, अब आप उसको कितना भी प्रयास कीजिए नहीं बदल सकते। जैसे मान लीजिए कि आप जीवन के अंदर कुछ ऐसी जॉब में हैं, ऐसे कार्य करते हैं कि जहाँ पे आपको 10,000 मिल रहे हैं, लेकिन आपने अधिक परिश्रम करके मान लीजिए 20,000 कमाना चालू किया, बहुत परिश्रम किया, तो क्या होगा कि आपके भाग्य में वो 20,000 नहीं है तो घर में कुछ आपदा आ जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, एक्सीडेंट आ जाएगा और पूरा पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा। ऐसे होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसे होता है, तो फिर वो क्या होता है, विचलित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। तो इसीलिए हम कितना भी प्रयास करेंगे तो भाग्य में जो है वही मिलेगा, अत्यधिक श्रम करने पर भी। तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करना चाहिए। तो सब लोग जो है अलग अलग चीज में आसक्त होते हैं, जैसे बचपना जो है खेल में आसक्त होता है। तो शंकराचार्य बोलते हैं बालस्थावत क्रीड़ासक्त, कि जब बालक होता है वो क्रीड़ा में आसक्त होता है, उसको कोई भी चीज खेलने में के लिए दे दो। तरुणी स्थावत तरुणी रक्त, और जो तरुण या तरुणी होती है वो आपस में एक दूसरे में आसक्त होते हैं जब आयु थोड़ी बड़ी हो जाती है। फिर आगे बताते हैं वृद्धायावत चिंता मग्न, कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं वृद्धावस्था में जाते हैं तो चिंताओं से घिर जाते हैं, चिंताओं में फंस जाते हैं। लेकिन फिर वो आगे श्लोक में बताते हैं परब्रह्मणि कोपि न सकता, जो परब्रह्म है उसमें कोई आसक्त नहीं है। और हम देखते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो जब बालक छोटा होता है तो उसके अंदर एक ही चेतना होती है, उसको बोलते हैं अन्नमय। अन्नमय मतलब हर जगह उसको अन्न चाहिए खाने के लिए। और थोड़ा और बड़ा होता है तो थोड़ा प्रयास करता है, तो थोड़ा ज्ञान लेने का प्रयास करता है, स्कूल जाता है, तो अन्नमय विज्ञानमय आनंदमय, तो इस प्रकार से ये अलग अलग अवस्था बताई है शास्त्र में। लेकिन हम देखते हैं कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो मोटिवेट करते हैं लोगों को, वो लोगों को इस प्रकार मोटिवेट करते हैं कि वो सपनों की दुनिया दिखाते हैं। जैसे सर्कस होता है, सर्कस में आपको ऐसी चीज़ें दिखाते हैं या जादूगर ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जो वास्तव में है नहीं, तो मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं इस प्रकार के जादूगर हैं, वो दिन में आपको सपने दिखाते हैं ऐसा करो ये करो, तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ ऐसा भी हो सकता है, यस आप कर सकते हो। वो बोलते हैं गांधी जी जैसे बनो, कोई गांधी जी जैसे बन सकता है? नहीं, ऐसे बोलते गांधी जी जैसा बनना चाहिए, तो गांधी जी जैसे बनेंगे तो कस्तूरबा कहाँ से लाएंगे? ध्येय ऊंचा रखो, तो ध्येय ऊंचा रखेंगे तो ऐसा होगा कि मंगल पे कोई घर बना लेगा या बावई के अंदर भाड़े पे मिलना मुश्किल होता है। ध्येय ऊंचा रखो, क्या ऊंचा रखो ध्येय? भगत सिंह जैसे बनो। भगत सिंह बनने के लिए बम फेंकने पड़ते, फेंकेंगे बम? बहुत बम फेंके थे उन्होंने, अपने ही लोग मर जाएंगे। ऐसी हवा भरते हैं लोगों के अंदर, ऐसी हवा भरते हैं, 2-3 दिन तक तो क्या बढ़िया स्पीच दिया उन्होंने, मोटिवेट कर दिया लोगों को, लेकिन वो खाली सपनों की दुनिया है। फिर 2-3 दिन बाद वापस जैसे गुब्बारे में सुई चुभाते हैं फट जाता है। जैसे वो जो मोटिवेशनल स्पीकर है ना, वो शास्त्र की बात नहीं करके वो आपको इसके अंदर एक तथ्य छुपा हुआ है कि वो आपको नास्तिक बनाते हैं। कैसे नास्तिक बनाते हैं? वो जीवों को ये आश्वासन देते हैं मोटिवेशनल स्पीकर कि सब कुछ आप कर सकते हो, भगवान की जरूरत ही नहीं है, सब आप कर सकते हो, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप कोई भी मोटिवेशनल की कोई भी स्पीच सुनिए, कभी वो ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जो आप नहीं कर सकते, सब कर सकते आप। लेकिन कोई मोटिवेशनल स्पीकर ने आज तक बोला कि मैं कहां से आया हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, ये ब्रह्मांड क्या है, कैसे काम करता है, इसके लिए जिज्ञासा कीजिए, है ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर? तो केवल सपनों की दुनिया दिखाते हैं।
तो इसीलिए ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये हमारे स्वरूप से हमको दूर ले जाते हैं। हमारा स्वरूप है सभी जीव का भगवान की सेवा करना, लेकिन ये मोटिवेशनल स्पीकर इतनी बढ़िया बढ़िया स्पीच दे के उनको दूर ले जाते हैं भगवान से। और उनके खुद के जीवन में पूछिए क्या चल रहा है, जो इतनी लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जरा उनके जीवन में आप जाइए कि जो बोल रहे हैं वो वास्तव में उनके जीवन में है कि नहीं। अगर ऐसा ही होता कि सब बड़े होने पे सब इच्छा रखने से प्राप्त कर लेते तो फिर अमिताभ बच्चन का बेटा सुपरस्टार नहीं बन सकता है, सुनील गावस्कर जो है उसका लड़का इंडियन का कैप्टन नहीं बन सकता है, सुनील गावस्कर का लड़का इंडियन कैप्टन, अमिताभ बच्चन का लड़का है सुपरस्टार, ध्येय ऊंचा रखो तो हमारे भाग्य में जो लिखा है वही प्राप्त होगा, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो भगवान ये सिखा रहे हैं कि आपकी बुद्धि जो है ब्रह्म में स्थित करो, इसलिए भगवान क्या बोलते हैं ब्रह्मणि स्थितः, शब्द आया ना यहाँ पे ब्रह्मणि स्थितः, कि जब हमारी बुद्धि भगवान के ऊपर स्थिर करेंगे तो हमें ये विवश करता है, मजबूर करता है कि वास्तव में मुझे कोई नियंत्रण कर रहा है, मुझे कोई नियंत्रित कर रहा है। कौन नियंत्रित कर रहा है? पहली चीज तो सबसे पहले है भगवान नियंत्रित कर रहे हैं हर जीव को। उसके बाद सेकंड चीज आपको नियंत्रण कर रहे हैं आपके कर्म फल। तीसरी चीज आपको नियंत्रण कर रहे हैं आपका भाग्य। हर समय हर वक्त आप नियंत्रित हैं, लेकिन ये हम भूल जाते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि क्यों इतने सारे लोग फिर मर रहे हैं। इसका मतलब हमारी श्वास हमारे नियंत्रण में नहीं है। लोग इतने बड़े बड़ी पढ़ाई करते हैं, डिग्री लेते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ हाथ में नहीं आता है, जॉब नहीं मिलती। क्यों? इसका मतलब आपकी डिग्री आपके हाथ में नहीं है, आपने इतना प्रयास किया सब कुछ किया लेकिन आप किसी और के द्वारा नियंत्रित हैं, इसलिए तो आपने इतनी पढ़ाई करके आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। इसलिए फिर लोग क्या करते हैं, जब बड़ी बड़ी डिग्री मिलती है तो फिर अभी कुछ नहीं है तो फिर क्या बोलते हैं MBA चाय वाला, करना पड़ेगा, भाग्य नहीं है। MBA चाय वाला दुकान का नाम ही है MBA चाय वाला, अब MBA किया है लेकिन जॉब नहीं है क्योंकि भाग्य में नहीं है। तो जब हम ये सब नहीं करेंगे तो ये हमें मजबूर करता है कि हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं, भगवान के ऊपर हम आश्रित हैं। कोई भी चीज़ आप लीजिए इस दुनिया से अंदर, एक छोटी से छोटी चीज़ भी, हर एक चीज़ भगवान के द्वारा नियंत्रित है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि भगवान नहीं है, ठीक है हम मानते हैं कि चलो भगवान नहीं है, लेकिन आपके कर्म फल तो है, आपका भाग्य तो है। यदि ऐसा ही होता तो जितने भी लोग एक ही स्कूल में एक ही क्लास में एक ही टीचर से पढ़ रहे हैं तो सबका रिजल्ट एक जैसा क्यों नहीं आ रहा है? एक ही टीचर है, सेम टीचर, और एक ही स्कूल है, एक ही क्लास है, अगर ऐसा होता तो फिर क्यों नहीं है? इसका दोष किसको देंगे? टीचर को। अगर टीचर को दोष दे रहे हैं तो फिर वो लड़का पहले नंबर पे क्यों आया? किसको दोष देंगे? स्कूल को, स्कूल खराब थी। यदि स्कूल खराब है तो फिर वो उन स्कूल के बच्चे टॉपर कैसे कर गए, आप क्यों नहीं करें? भाग्य। यदि लड़का सोचे मैं अब कल से बहुत परिश्रम करूंगा, दिन रात पढ़ूंगा, दिन रात पढ़ने के बाद पता चला उसने एग्जाम दिया लेकिन फेल हो गया, इतना परिश्रम किया, दिन रात पढ़ाई की, पेपर दिया, फेल हो गया, क्या है? भाग्य, कर्मफल। हमारे कर्मफल निर्धारित होते हैं। जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तब तक भगवान हमारे कर्मफल को नहीं काटते हैं। जब हम भगवान की भक्ति शुद्धता से करना चालू करते हैं तब फिर भगवान अपने भक्तों के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं, और हस्तक्षेप करते हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान उसकी परिस्थिति को ठीक कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि भगवान की नजर में आप महान भक्त हो, श्रेष्ठ भक्त हो, तो भगवान आपके माध्यम से लोगों को ये दिखाना चाह रहे हो कि देखो मेरा भक्त कितना महान है, कि प्राप्त होने पर भी वो खुश नहीं हो रहा है, हर्षित नहीं हो रहा है,
और नहीं है तो भी वो दुखी नहीं हो रहा है। देखो मेरे भक्त से सीखो, तो दोनों कंडीशन में रखेंगे भगवान। पांच पांडवों के पास जब राज्य था तब उन्होंने ऐसा नहीं कि राज्य मिल गया तो भगवान को छोड़ दिया, और राज्य नहीं मिला तो भी भगवान को छोड़ दिया। हर दोनों अवस्था में वो भगवान को कभी नहीं भूले, ये हम देखते हैं उनके जीवन में, पांच पांडवों के जीवन में। और कभी उन्होंने भगवान से ये नहीं बोला कि हमारे पास तो राज्य नहीं है, ये दिखा रहे हैं भगवान अपने भक्तों के उदाहरण से। तो वो श्रेणी में हो सकता है हम भी हों, हमारे द्वारा भगवान सिखाना चाह रहे हैं दूसरे भक्तों को, दूसरे जीवों को, ये देखो भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है। तो हो सकता है उसके लिए भगवान भक्ति के साथ साथ हमें कष्ट भी दे। तो हस्तक्षेप करने का अर्थ हमेशा ये नहीं होता है कि भगवान सुधार देंगे हर चीज़ को, बिगाड़ भी सकते हैं परिस्थिति को, लेकिन उसके पीछे जो नज़रिया है वो भगवान का अलग है। लेकिन हम उसको अलग नज़रिए से देखते हैं कि भगवान ने मुझे दुख दिया, भगवान ने मुझे कष्ट दिया, लेकिन भगवान चाह रहे नहीं, मैं तुम्हारे माध्यम से लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ, दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरे भक्त को देखो। तो जब तक हम भक्ति में उतने दृढ़ नहीं होते हैं, स्थिर नहीं होते हैं, तब तक भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं इसके साथ ऐसा करूँगा तो ये भक्ति छोड़ देगा मेरी, सब बंद हो जाएगा, भगवान का नाम लेना बंद हो जाएगा, माला बंद हो जाएगा। इसलिए भक्ति के शुरुआत में जब हम आते हैं तो बहुत अच्छा चलता है, एकदम बढ़िया, लेकिन जैसे जैसे कुछ साल बीतने लगते हैं तो भगवान परीक्षा लेना आरंभ कर देते हैं, और वही हमारी वास्तविक परीक्षा है। उस समय कष्ट आने पे कई सालों बाद यदि हम भगवान को छोड़ रहे हैं, मतलब हमें विश्वास नहीं था भगवान पे, श्रद्धा नहीं थी, और हमने इसलिए, कई बार लोग बोलते हैं कि हम माला इसीलिए कर रहे थे, हम मंदिर इसीलिए जा रहे थे, ये सब होने के लिए, फिर दोष भगवान पे देते हैं, बुद्धि स्थिर नहीं है। इसीलिए स्थिर बुद्धि होना बहुत आवश्यक है एक भक्ति के लिए। तो यहाँ पे वर्णन किया है कि जब उसकी बुद्धि स्थिर होती है तो शरीर की हानि होने पर भी वो शोक नहीं करता है। जैसे यहाँ पे बताया कि अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। अभी हम देखते हैं कि जो सुख दुख, हर्ष और शोक, ये चीज़ें क्या है, ये भौतिक वस्तु है, आध्यात्मिक नहीं है। यदि हम इसके द्वारा हमारी भक्ति में बाधा आ रही है इस चीज़ों की वजह से, तो इसका अर्थ क्या है कि हमारी भक्ति जो है किसी चीज़ के ऊपर निर्भर हो गई, सुख दुख के ऊपर, हर्ष और शोक के ऊपर, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम भक्ति अधिक तीव्रता से नहीं कर पाते, क्यों, क्योंकि अभी वो निर्भर हो गई। इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि पहले जब मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसकी जब ज्वाइनिंग नहीं हुई तो मंदिर आना, माला करना सब बढ़िया था, लेकिन जैसे ही ज्वाइनिंग हो गई, कहीं पोस्ट पे माला छूट गए, अध्ययन छूट गया, तो बस प्रभु जी चल रहा है, क्या चल रहा है, इतना उसमें मग्न हो गए। अगर ऐसा ही ऐसा नहीं है तो फिर आप ज्वाइनिंग करने से पहले क्यों इतनी भक्ति करते थे? इसका मतलब आपको बहुत प्रिय वस्तु मिल गए, आप उससे हर्ष प्राप्त हो गया, तो भगवान को भूल गए, भगवान का चिंतन चला गया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी भक्ति जो है सुख दुख के ऊपर निर्भर हो गई, हर्ष और शोक के ऊपर निर्भर हो गई। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि एक भक्त को कितनी भी प्रिय से प्रिय वस्तु मिल जाए, उसको ये समझना चाहिए कि ये तो भगवान की संपत्ति है और भगवान ने मुझे ये वस्तु दी है ताकि मैं उसकी रक्षा करूँ, उस वस्तु की जो भी मुझे प्राप्त हुआ है, इसका भोग करने के लिए भगवान ने मुझे नहीं दिया है वो साधन, ये साधन भगवान ने मुझे इसीलिए दिया है कि मैं इसकी रक्षा कर सकूं और भगवान की सेवा में इस वस्तु को लगा सकूं, ये चेतना होती है एक भक्त की। और दूसरी तरफ उसको पता है कि शरीर जो है ये भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। तो कोई व्यक्ति शरीर को मार रहा है तो वास्तव में वो शरीर को मार रहा है, आत्मा को नहीं मार रहा है, उसको पता है। क्यों? क्योंकि भगवद्गीता में पढ़ा है कि आत्मा को पानी से कभी भिगोया नहीं सकता, शस्त्र से कभी काटा नहीं जा सकता। तो यदि कोई उसको मार रहा है, कुछ पीट रहा है, कुछ बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो शरीर को कर रहा है, आत्मा तो आध्यात्मिक है, आत्मा को ये सब चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए शरीर के साथ यदि कुछ होता भी है
तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, शोक नहीं करते उसके ऊपर। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो स्थिर बुद्धि है भक्त की, इसके एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है भीष्मदेव। भीष्मदेव की बुद्धि देखिए कितनी स्थिर है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि उनकी बुद्धि इतनी स्थिर है कि लगातार युद्ध कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और 9 दिन बीत चुके हैं और 10वें दिन वो बाणशैया पे लेटे हुए हैं। और भीष्मदेव 12 महाजनों में से एक है, फिर भी भीष्मदेव बाणशैया पे लेटे हुए, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जहां पे उनको बाण नहीं लगा है। बाणशैया पे भी लेटे लेटे वो भगवान की स्तुति का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान आपका मुख कमल इतना सुंदर है। तो कहते हैं कि त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम, कि भगवान पूरे त्रिभुवन में आपका जो मुख है वो तमाल वर्ण जैसा है, तमाल वृक्ष की तरह। अब देखिए पूरे महाभारत के अंदर भीष्मदेव ने जो स्तुति की है, कितनी बारीकी से उन्होंने भगवान का दर्शन किया है युद्ध के दौरान। मतलब उनको शरीर पे बाण लगा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं ऐसी अवस्था में। ये हमें भीष्मदेव से सीखना चाहिए कि भगवान मुझे पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, नहीं, एक आंसू नहीं है उनकी आंख में, हर्ष से उनकी आंखें बल्कि प्रेमाश्रु से बह गई। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेमाश्रु से आंसू इसलिए बह गए कि वो भगवान से बोल रहे हैं और युधिष्ठिर से बोल रहे हैं कि वास्तव में जिन्होंने आपका भाई समझा और आपके सखा हैं, वास्तव में यही आदि नारायण केशव भगवान हैं जो आपके साथ हैं। ऐसा भीष्मदेव बोलते हैं और बहुत सुंदर वो वर्णन करते हैं, भीष्मदेव स्तुति करते हैं कि ऐसी ऐसी सुंदर स्तुति है कि भगवान जैसे उपमा देते हैं, आपका जो मुख है तो कभी कभी आप देखिए कमल का जो फूल होता है उसमें जब ओस गिरती है और जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो कभी कभी कुछ बूंदे गिर जाती है, तो जो बूंदे जब बसती हैं ओस की, वो ऐसा लगता है कुछ मोती रखा हुआ है वहाँ पे, वो प्रकाश पड़ने से वो रिफ्लेक्शन। तो ऐसे ही भगवान का जो मुख है, भगवान का मुख घोड़ों के चलने से, रथ के चलने से जो धूल उड़ रही है, क्योंकि भगवान तो ऑलरेडी शाम सुंदर है, और ऐसे मुख कमल पे जब वो धूल उड़ रही है तो भीष्मदेव कह रहे हैं कि ये अद्भुत आपका सौंदर्य है। त्रिभुवन कमलम, पूरे त्रिभुवन में नहीं है ऐसा सौंदर्य। ये निरीक्षण व्यक्ति कब कर सकता है? जब उसने देखा है और वो प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो रूप को देखा है। इसीलिए पूरे महाभारत में हम देखते हैं कि अर्जुन से भी ज़्यादा भाग्यशाली भीष्मदेव है, क्योंकि उस रूप का दर्शन जो है अर्जुन भी नहीं कर पा रहे थे जो भीष्मदेव ने किया। और फिर वो आगे वर्णन करते हैं कि आपका जो वो बाल है वो मुख पे गिरा हुआ है, जो लठ है उसकी सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो यानी कि भीष्मदेव युद्ध के दौरान भगवान के सौंदर्य का दर्शन कर रहे थे, युद्ध करते करते, तभी तो वो स्तुति कर रहे हैं बाणशैया पे लेटे लेटे, नहीं तो कौन व्यक्ति ऐसा है? पूरे महाभारत में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में है ऐसे कोई व्यक्ति जिन्होंने स्तुति की हो मरते मरते? यहाँ भीष्मदेव खुद मर रहे हैं बाणशैया पे, लेकिन स्तुति कर रहे हैं। इसको कहते हैं स्थिर बुद्धि। ये बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है भीष्मदेव का। लेकिन जब हमारे शरीर को जब कुछ कष्ट होता है या हमारे शरीर में कुछ समस्या आती है तो हम अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, भगवान की स्तुति नहीं करते। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं है, अस्थिर बुद्धि है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं होती है वो हमेशा उसकी बुद्धि उटपटांग कार्य करती है। और बुद्धि स्थिर नहीं होने की वजह से हम देखते हैं कि व्यक्ति गलत गलत निर्णय लेता है, डिसीजन भी गलत लेता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं, और वो एक निर्णय, एक डिसीजन की वजह से समस्याएं, बहुत हजारों समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसलिए बुद्धि को स्थिर रखना बहुत आवश्यक है। और वो स्थिर बुद्धि कैसे आती है तो भगवान यहाँ पे बता दें, ब्रह्मविद, आपको ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, भगवत विद्या का ज्ञान होना चाहिए, तब आपकी बुद्धि ब्रह्मणि स्थितः, तब वो ब्रह्म में स्थित होगी, यानी कि बुद्धि स्थिर होगी। तो एक दूसरा उदाहरण महारानी कुंती का है कि जब सब कुछ खत्म हो गया,
उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, फिर भी वो भगवान की स्तुति कर रही है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब उनको राज्य मिला तो राज्य प्राप्त होने पे भगवान वापिस जा रहे हैं हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन महारानी कुंती फिर से प्रार्थना कर रही है, स्तुति कर रही है, ऐसा राज्य हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसा सुख कि जहाँ पे आप छोड़ के जा रहे हैं, उससे अच्छा तो हम दुख में ही अच्छे थे कि कम से कम आप हमारे पास आ रहे थे, बैठ रहे थे, चल रहे थे, हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन जब अब सब ठीक हो गया तो आप जा रहे हैं, तो ऐसा सुख नहीं चाहिए हम, ऐसा बोल रहे हैं कुंती महारानी। इसीलिए वो कहते हैं विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि मुझे आप और विपदाएँ दीजिए, आपदाएँ दीजिए, तो जिससे हम आपका दर्शन कर सके विपदाओं में। तो भगवान भगवान ने बोला क्या करोगे आप दर्शन करके, मेरा दर्शन करके क्या होगा? तो कहते हैं कि भव प्रवाह, कि ये जो जन्म मृत्यु का ये भव प्रवाह है ये रुक जाएगा आपका दर्शन करने से। तो बहुत निवेदन करती हैं कुंती मान। तो फिर भगवान और उनके प्रार्थना स्तुति करने पे और कुछ दिन वहां पे रुकते हैं हस्तिनापुर में। क्या है ये स्थिर बुद्धि दिखाती है कि सब कुछ प्राप्त हो गया, इतना परिश्रम करके लड़ाई करके, फिर भी वो भगवान से बोल रहे हैं कि आप और रुकिए, ऐसा राज्य हमें नहीं चाहिए, ये है स्थिर बुद्धि। तो ऐसे जो महान महान भक्त हैं, ऐसे जो महान महान लोग हैं, आचार्य हैं, उनके जीवन से हम देख सकते हैं कि यदि उनके जीवन में कष्ट भी आ रहे हैं तो भी वो भगवान से रुष्ट नहीं है। एक भगवान के एक महान आचार्य हैं जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने भगवान के ऊपर दशावतार स्तोत्र लिखा है। जयदेव गोस्वामी को जब वो एक राजा से मिलने जा रहे थे तो बीच रास्ते में कुछ डाकुओं ने उनके शरीर के टुकड़े करके उनको कुएं में फेंक दिया। ऐसे भी होता है भक्तों के साथ। बहुत महान आचार्य हुए जयदेव गोस्वामी और उन्होंने अनेक अनेक भजन लिखे, लेकिन जब ये षड्यंत्र था उनके साथ, जो दुष्ट लोग थे उन्होंने षड्यंत्र किया कि भगवान के भक्त जब राजा से मिलने जाएंगे तो रास्ते में उनको मार के काट के फेंक देंगे। क्या दिखाता है? कोई सोच सकता है कि भगवान की भक्ति करने से ऐसा होता है? लेकिन भगवान सिखा रहे हैं कि मेरे भक्तों से आप सीखो, कितना षड्यंत्र करने पे भी एकदम स्थिर है। यदि हमारे साथ ऐसे हो तो हम, यदि वो 100 प्लान बना रहे हैं तो हम 101 प्लान बनाएंगे उसको हराने के लिए, षड्यंत्र रचेंगे उसके खिलाफ। हमारी स्थिति ऐसी है क्योंकि बुद्धि स्थिर नहीं है। ऐसे अनेक 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 बहुत उदाहरण है शास्त्र में कि जहाँ पे जैसे रामानुजाचार्य है, श्री संप्रदाय के अग्रणी रामानुजाचार्य को जब यादव प्रकाश उनके जो शिष्य थे, क्योंकि वो निराकार को मानते थे, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते थे, तो यादव प्रकाश के जो शिष्य थे उन्होंने निर्णय किया कि रामानुजाचार्य को जब जंगल में जाएंगे तो मार देंगे। ऐसे ऐसे प्लान करते थे लोग, पहले षड्यंत्र करके भगवान के भक्तों को मारने का प्लान करते थे। और उन्होंने प्रयास भी किया, रामानुजाचार्य को बीच जंगल में मारने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा हुआ कि भगवान प्रकट हुए और रामानुजाचार्य को कहीं और ले गए, तो भटकते ही रह गए वन में, इधर से उधर, उधर से इधर, हिल ही नहीं पा रहे वहां से, भगवान ने बचाया, स्थिर बुद्धि। और फिर रामानुजाचार्य कहते हैं कि हमें भगवान के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए, भगवान में हमारी बुद्धि इतनी स्थिर हो जाए कि यदि कोई हमारे पीछे कोई शेर भी आ जाए तो भी हमें देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहिए, केवल भगवान की शरण जाना चाहिए, ऐसा रामानुजाचार्य बोलते हैं। इतनी उनकी निष्ठा है भगवान में, इतनी उनकी स्थिरता है। और हम देखते हैं दूसरा एक और उदाहरण कि जो देवी देवता हैं वो भी विचलित हो जाते हैं, उनकी भी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। कैसे? तो हम देखते हैं कि ऐसे अनेक अनेक उदाहरण हैं कि जब लोग तपस्या करते हैं धरातल पे तो इंद्र विचलित हो जाते हैं, डर लगने लगता है कि अब मेरा आसन का क्या होगा। इसका मतलब क्या है? कि उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है बुद्धि, वो केवल भक्ति का आभास मात्र है, वैसे लग रहा है आभास हो रहा है लेकिन भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति तो जो है
वो भगवान के जो महाजन हैं, जो पार्षद है, वो ही कर सकते हैं। जो देवी देवता हैं उनके पास शुद्ध भक्ति नहीं है कृष्ण की, वो केवल आभास मात्र है भक्ति का, इसीलिए उसको बोलते हैं भक्त्याभास। भक्ति नहीं बोलते उसको, भक्त्याभास बोलते हैं, जहाँ पे केवल आभास मात्र है भक्ति का, लेकिन भक्ति है नहीं, मिश्रण है किसी चीज का, इसीलिए उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। और हम देखते हैं कि जब इंद्र ने गोवर्धन के अंदर बारिश की तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ और भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया। अब दूसरी बार जब रुक्मिणी और भगवान जाते हैं स्वर्ग में तो वहाँ से पारिजात वृक्ष लेके आते हैं, फिर इंद्र की बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है, फिर युद्ध करने लगते हैं भगवान से। अभी कुछ समय पहले तो उन्होंने प्रार्थना की, स्तुति की, और जब भगवान पारिजात का वृक्ष लेके जा रहे हैं फिर बुद्धि भ्रमित हो गई। इसका अर्थ क्या है? बुद्धि स्थिर नहीं है। तो कभी कभी भगवान के जो कार्यकलाप हैं वो कार्यकलाप देवी देवता भी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उनके पास ये ब्रह्मविद नहीं है, जैसे यहाँ पे शब्द है ना ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्या यानी कि भगवत ज्ञान नहीं है पूर्ण मात्रा में। अगर होता तो फिर ब्रह्मा जी भगवान की ऐसी लीलाओं से मोहित नहीं होते, क्योंकि हम देखते हैं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। ये भगवान जो ग्वाल बालों के साथ झूठन खा रहे, ये भगवान हो सकते हैं? और फिर ऐसे करके सबको चुरा के ले गए, सारे ग्वाल बाल को चुरा लिया है ना, और गाय को भी चुरा के ले गए। क्यों? क्यों? उनकी बुद्धि चकरा गई, स्थिर बुद्धि नहीं है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पता है कि भगवान कुछ भी करे ये कर सकते हैं, क्योंकि ये भगवान है, आदि पुरुष है, तो इसलिए वो चकित नहीं होते हैं भगवान की लीलाओं को देख के, क्योंकि उनकी बुद्धि स्थिर है। तो और फिर इसके आगे भगवान अगले श्लोक में वर्णन करते हैं, श्लोक क्रमांक 21 में, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रियों की इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। यानी कि जो आनंद है वो वास्तव में आंतरिक से आता है, अंतर से आता है, आनंद जो है बाहर से नहीं आता है। जैसे जो मृग होता है, मृग हिरण, तो कस्तूरी जो है उसके अंदर ही है, उसके पास ही है, लेकिन वो खुशबू की वजह से इधर उधर भागती रहती है, कहाँ है कस्तूरी कहाँ है, और ये ऐसे करते करते भाग भाग के मर जाता है, जबकि कस्तूरी उसके अंदर ही है, वहीं से खुशबू आ रही है। उसी प्रकार से आनंद जो है हमारे अंदर है, लेकिन हम लोग आनंद को क्या है बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें है, आनंद अंदर छुपा हुआ है, उसको उजागर करने की बस बात है, देर है। वो उजागर होता है भगवान की सेवा करने से, भक्ति करने से, तब आप देखिए अंदर से कितना आनंद आता है। और अंदर से जब आनंद आएगा तो फिर वो चाहे कुछ भी हो आप उससे परेशान नहीं होंगे, कोई कैसी भी समस्या है, क्योंकि आपको आनंद अब अंदर से मिल रहा है। नहीं तो फिर आनंद क्या है, बाहरी चीज़ में ढूंढते हैं। जैसे कैसे ढूंढते हैं बाहरी चीज़ में आनंद, कि आज के प्रसाद में मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, टेस्ट नहीं आया, क्या है बाहरी आनंद। लेकिन जब उसको अंदर से आनंद आएगा, वो भगवान का प्रसाद मिला मुझे, वो फिर टेस्ट पे नहीं जाएगा, स्वाद पे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको आनंद अंदर से मिल रहा है। कम से कम भगवान का प्रसाद मिला। किसी को हो सकता है आज कथा में मज़ा नहीं आई, बोरिंग लग रहा था, क्यों? क्योंकि वो आनंद जो है वो वक्ता के ऊपर ढूंढ रहा है कि वक्ता अच्छा नहीं था या स्पीच अच्छी नहीं थी। लेकिन आनंद यदि उसको आएगा तो वो हरी कथा कोई भी करे, कैसा भी व्यक्ति करे, उसमें आनंद लेगा, क्योंकि उसको आनंद मिल रहा है कृष्ण कथा में आंतरिक रूप से। उसी प्रकार से कीर्तन में मज़ा नहीं आया, ट्यून अच्छी नहीं थी, ट्यून थोड़ी बोरिंग वाली थी, लेकिन कीर्तन कैसा भी हो हरि कीर्तन है तो आनंद आएगा, क्योंकि अंदर से हम आनंद ले रहे हैं। या और ऐसी बहुत सारी चीज़ हो सकती है कि जहाँ पे हम बाहरी रूप से आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं।
तो जब बाहरी रूप से आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि हम अपनी इंद्रियों की संतुष्टि चाह रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता है। यदि हम बाहरी रूप से आनंद ले रहे हैं बाहरी चीजों से, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी इंद्रिय सुख की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। लेकिन जब आनंद जो है अंदर से ढूंढने का प्रयास करेंगे, आत्मा से भक्ति करने पे, तो फिर क्या होगा, इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होगा। और दूसरा, सदैव समाधि में स्थित होगा। ये मुक्त पुरुष के लक्षण है, ये साधु पुरुष के लक्षण है। तो फिर चाहे उसको कुछ भी प्राप्त हो जाए, कुछ प्राप्त नहीं हो, वो परेशान नहीं होगा उससे। और फिर इसके बाद भगवान बताएंगे बुद्धिमान मनुष्य कौन है, किसे बुद्धिमान कहते हैं। वो श्लोक संख्या 22 के अंदर है, वो हम अगली बार चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। कुछ प्रश्न जिज्ञासा किसी की? ये जो आनंद है वो तो इंद्रिय के माध्यम से हम ले रहे हैं जो कि क्षणिक है, लेकिन जो परमानेंट आनंद है जो कि हमको अंदर से बोले अंदर से, तो क्या जो चीज़ है जो अंदर से आनंद हम प्राप्त करें जिसके माध्यम से वो हमेशा जो आंतरिक आनंद है वो हमेशा रहेंगे, वो प्राप्त कैसे करें उसको? तो प्रश्न है कि आंतरिक आनंद जो है वो कैसे प्राप्त करें, कैसे पता चलेगा कि हम आंतरिक से आनंद ले रहे हैं? तो पता ऐसे चलेगा जैसे मैंने बताया कि जब आपको भगवान का प्रसाद मिलेगा, अब चाहे वो कैसा भी हो लेकिन आप उसको ग्रहण करेंगे, क्योंकि आपको आनंद हो गया कि मुझे कृष्ण प्रसाद मिला, कृष्ण का प्रसाद प्राप्त हुआ। तो ये दिखा रहा है कि आप अपनी इंद्रियों की तुष्टि नहीं चाह रहे। तो इसका अर्थ क्या है कि उसके लिए अभी आपको अभ्यास करना है, प्रयास करना है। जैसे कि कीर्तन अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब कान के तरफ आप आकृष्ट हो रहे, लेकिन जब कोई व्यक्ति अंदर से उसको आनंद मिल रहा है तो कीर्तन कैसा भी हो उसको आनंद मिलेगा, ये हरि कीर्तन है, कृष्ण कीर्तन है। तो प्रयास क्या करना है, प्रयास ही करना है कि इंद्रियों से जो हम आनंद लेने का प्रयास करें उसको रोकना है अभ्यास के द्वारा। इसीलिए यहाँ पर बताया समता, एकत्व, क्षमता यानी कि संभव रहना। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, लेकिन आनंद में जो है उसमें खंड नहीं हो रहा है, अखंड है वो आनंद। लेकिन यहाँ पे जो आनंद हम इंद्रियों से ले रहे हैं वो खंडित हो रहा है। तो जो आनंद हम आत्मा से लेंगे, अंदर से लेंगे, वो कभी खंडित नहीं होगा, ये लक्षण है उसका। यदि खंडित हो रहा है इसका मतलब वो आनंद इंद्रियों से ले रहे हैं। तो वो प्रयास करना है कि आनंद इंद्रियों से ना लेके अंदर से उसको प्राप्त करें। कि प्रसाद है, स्वाद है, नहीं है, ठीक है, कृष्ण प्रसाद है, भगवान को भोग लगा, वही आनंद। सबसे बड़ा आनंद वो है कि कृष्ण प्रसाद मिला। स्वाद है नहीं है वो तो बात की बात है, कृष्ण प्रसाद आपको मिला, आप कितने भाग्यशाली है। ऐसे अनेक जीव हैं जिनको कृष्ण प्रसाद नहीं मिल रहा है, लेकिन कम से कम आपको मिला, ये सबसे बड़ा आनंद है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनको हरि कीर्तन नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मुझे हरि कीर्तन मिला है। अब चाहे कोई हकला के बोल रहा है कि तोतला बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हरि कीर्तन मिल रहा है, हरि कथा आपको मिल रही है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनको हरि कथा नहीं मिल रही है, वो तो यहाँ है भी नहीं। अब वो भले ही उनको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है जो भी है, लेकिन कम से कम हरि कथा तो मिल रही है, वो आनंद, उसको आनंद कहते हैं कि मुझे मिल तो रहा है वास्तव में, मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन जब हमको मिलता है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसकी कदर नहीं होती हमको, उसमें भी फिर हम भेद करने लगते हैं कि मुझे वो प्रसाद में वो बना था वो मुझे मिला नहीं, वो तो कितनी अच्छी चीज़ बनी थी, मैं वंचित रह गया उससे। लेकिन कम से कम जो है वो तो प्राप्त कीजिए। तो ये दिखाता है कि हमारा जो आनंद है वो डिपेंड है इंद्रियों पे, आंतरिक रूप से नहीं है। जब आपको अंदर से आनंद की अनुभूति जब होने लगेगी,
तो फिर आप ये सब के लिए परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि कम से कम मुझे ये सब चीजें मिल रही है, अन्य लोगों तो को तो वो भी नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको पूरा पूरा लाभ लूं। और ये यही आपके आनंद की अनुभूति है। तो इसीलिए अंतरात्मा से जो आनंद है उसका लक्षण ये है कि वो कभी खंडित नहीं होता है। लेकिन हमारा आनंद खंडित होता है, इसका मतलब यही है कि इंद्रियों से मिल रहा है आनंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे।